हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में हमारा चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो संख्याओं की जानकारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी में बच्चों कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे गुणनखंड और गुणज के रिलेटेड, तो उसी के आधार पे अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। ये है बच्चों। अब इसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, उसमें बोला गया है गुणनखंड लिखिए। क्या लिखिए? गुणनखंड लिखिए। तो क्या आपको याद है जो हमने गुणनखंड के बारे में पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या होते हैं गुणनखंड, किस प्रकार से हम उनको लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं? क्या आपको सारी चीजें याद हैं? उम्मीद है आप सबको याद होंगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। तो देखिए, हम अब देखेंगे यहाँ पे कि गुणनखंड निकालने कैसे हैं, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए गुणनखंड निकाल के देखते हैं हम इसको। चौबीस है, 24 के गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं? क्या क्या होते हैं गुणनखंड? देखिए, जो नंबर होता है उससे छोटे होते हैं गुणनखंड, जो संख्या होती है। जैसे 24 के गुणनखंड निकालने हैं तो इसके गुणनखंड हमेशा 24 से छोटे होंगे या फिर 24 के बराबर होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि गुणनखंड क्या होते हैं? जिन नंबर से, जिन संख्याओं से 24 पूरा पूरा भाग हो जाता है और कोई भी शेष नहीं बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम गुणनखंड। बच्चों क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ये चीज क्लियर है? अब देखिए, सपोज एक को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। दो को 12 से करेंगे और तीन को 8 से करेंगे और चार को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन केसेस में क्या आएगा? सब में 24 आएगा। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा हो, या फिर जो संख्या निकालनी है वो संख्या आ रही हो, तो वो सब उसके गुणनखंड होंगे। तो आप एक किसी भी तरह से इनको ले सकते हैं, जैसे कि एक, दो, ये देखिए सारे के सारे जितने, एक, दो, तीन, चार, छः, आठ, 12, 24, ये सब क्या है? इसके गुणनखंड हैं। चार, छः, आठ, 12, 24। आप इनमें से किसी भी नंबर से 24 को 24 को डिवाइड करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे, तो ये आपको पूरा पूरा भाग होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा 24। इसीलिए ये सब इसके गुणनखंड हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 15 यहाँ पे है, अब 15 के आप लिखिए कि 15 के फैक्टर्स या गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 15 के गुणनखंड के लिए आपको जैसे हमने 24 का किया था बिल्कुल उसी तरह करेंगे। तो किसी भी नंबर को अगर एक से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? वही नंबर आता है। तो अगर हम 15 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा।
तो देखिए ये गुणनखंड तो हमेशा ही मिलेंगे आपको, एक और द नंबर इटसेल्फ, वो अपने आप नंबर और एक तो हमेशा ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखना है क्या आ सकता है, 3 आ सकता है इंटू 5, 3 5 भी 15 होता है। अब आप अलग से लिख देंगे कि इसकी गुणनखंड क्या क्या है, उस तरह से लिखेंगे आप इसको। तो लिखिए इसको, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है 21। 21 को आप करके देखो एक बारी कि 21 जो है वो यहाँ पे उसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेम निकालें जैसे 15 के निकाले हमने, 24 के निकाले, उसी तरह 21 के भी आप निकाल के देखें। तो बच्चों 21 को देखें आप कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। पहले हम इसके गुणनखंड लिख लेते हैं, 15 के क्या क्या आ गए, एक, फिर 3 है, 5 है और 15 है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन से गुणनखंड है। हम सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक है, एक के बाद इन्होंने 3 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 15 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी अगर होल नंबर आप लेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 को, तो 15 नहीं मिलेगा, हमें 15 मिलना चाहिए। 3 से हमने कर लिया, लेकिन 4 से भी आप किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नहीं मिलेगा। इसी तरह हमने सभी नंबर्स के साथ यहाँ पे चेक किया है, तभी हमें पता लगा कि कौन से 15 के गुणनखंड हैं। इसी तरह 21 को देखेंगे, 1 × 21 मैंने बोला था वो नंबर और एक तो हमेशा ही रहेंगे गुणनखंड। फिर दूसरा देखिए, 2 से अगर हम 21 को भाग करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 3 से अगर हम 21 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 21 होता है। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, या फिर 21 को 3 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा आंसर। आप किसी भी तरह इसको सोच सकते हैं। अब देखिए और किस किस को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 21 आ रहा है। 4 से चेक करिए, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, फिर वापस घूम के ये 7 आ गया। ठीक है, 7 × 3 = 21 हो गए, हमने लिख दिया पहले। इसी तरह आप 21 तक चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप जो 21 के फैक्टर्स हैं वो ये हैं, 1, 3, 7 और 21, 1, 3, 7 और 21, ये 21 के फैक्टर्स हो गए यहाँ पे। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखिए 27, 27। ये बच्चों आप खुद करेंगे, इसको एक बारी आप खुद ट्राई करेंगे कि इसको कितना आप सॉल्व कर पाते हैं। इसका आंसर देखिए मैं बता देता हूं डायरेक्ट, 1, 3, 9, 27, बिल्कुल इसी तरह है जैसे 21 का किया हमने। आप इस तरह इसके फैक्टर्स लिख के देखेंगे एक बारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 12 भी सिंपल है, 12 को भी, 12 तो और छोटा नंबर है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। और कुछ तो नहीं बन रहा, 1, 2, 3 से चेक कर लिया, 4 पहले ही आ गया, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नहीं मिल रहा हमें। फिर
फिर 6 आ ही गया, 7 8 9 10 11 इनसे भी हमें नहीं मिलने वाला, तो ये सब को मल्टीप्लाई करके हमें 12 ही मिल रहा है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए अब देखिए इसके आप फैक्टर्स लिख के देखिए एक बारी कि इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो अगर एक को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा, ये तो हर नंबर के साथ कर सकते हैं हम, लेकिन इसके अलावा कौन से नंबर को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ तो 23 आ जाएगा, ये आप चेक करके देखेंगे। तो 2 से कर पाएंगे हम? नहीं। और 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, इस तरह से आप देखेंगे तो सिर्फ एंड में 23 से अगर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 23 आएगा। बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर उसको किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 23 प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो इसके गुणनखंड है वो 1 और 23 ही हैं, 1 और 23 ही हैं, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पे आपको गुणज लिखने हैं, क्या लिखने हैं? गुणज लिखने हैं। तो गुणज आप कैसे लिखेंगे? हमने गुणज के बारे में डिस्कस किया है कि गुणज होते क्या हैं। देखिए मल्टीपल्स को हम गुणज बोलते हैं, जो मल्टीपल होते हैं किसी नंबर के, जैसे कि 5 की बात यहाँ पे हो रही है ए पार्ट में, तो 5 के गुणज क्या हो सकते हैं? तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 का एक गुणज हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 2 गुणज हो जाएंगे। जैसे पहाड़ा सबको पता है, टेबल सबको आती है, तो बच्चों जो हम टेबल करते हैं, टेबल लिखते हैं, पहाड़ा लिखते हैं, तो वो सब इसके क्या हो जाते हैं? गुणज हो जाते हैं। जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो आप देखेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी गुणज की, वो सब ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि देखिए जो गुणज होता है वो या तो संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, दूसरा उस जो संख्या होती है उसके मल्टीपल्स होते हैं, ये उसको उस संख्या को किसी चीज के साथ गुणा करके मिलते हैं हमें गुणज। तो देखिए इस 5 को हमने 1 के साथ गुणा किया तो पहला गुणज मिल गया, 2 के साथ गुणा किया तो दूसरा मिल गया, 3 के साथ किया तो तीसरा। इसमें बोला गया है प्रथम 5, पहले 5, तो हम पहले 5 नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 5, पहले 5 नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, इसीलिए मेरे पास प्रथम 5 गुणज आए हैं। इसी तरह हम दूसरा पार्ट देखिए, 8 है, 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसी तरह 8 के प्रथम 5 गुणज क्या हम निकाल सकते हैं? ऐसे ही निकालेंगे, 8 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से आप गुणज निकाल सकते हैं इसके। अब सी पार्ट जो है बच्चों 9 है, तो यहां से हमने अभी तक सीख लिया है कि बस आपको पहाड़ा आना चाहिए, प्रथम 5 गुणज निकालने के लिए 5 तक पहाड़ा आना चाहिए। अगर आपको बोल दिया प्रथम 6 गुणज निकालने हैं तो क्या करोगे भाई? 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को। अगर प्रथम 7 गुणज निकालने हैं तो 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे ये ना बोला जाए कि प्रथम 5 गुणज निकालो, तो आपको सिर्फ बोल दिया जाए कि इसके कोई भी 5 गुणज निकालो, तो उस केस में आप जो ये 8 है या 5 है, इसको जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 5 तक आप मल्टीप्लाई करोगे, अब तब आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिर्फ आपसे मल्टीपल्स पूछे जाएं। तो ये जो सी पार्ट है बच्चों, इसको आप खुद करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपके
होमवर्क है ये, क्योंकि बाकी दो पार्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये भी उसी तरह से ही है आप करेंगे। अब देखिए तीसरा जो पार्ट है इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्तंभ एक की संख्याओं का स्तंभ दो के साथ मिलान कीजिए। इसमें आपको बस मिलान करना है बच्चों, तो ध्यान पूर्वक आप इनका मिलान करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं स्तंभ एक में, 35, 15, 16, 20, 25, ठीक है, और स्तंभ दो में दिया गया है देखिए 8 का गुणज। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या संकेत कर रहा है ये कि हमें पता लगाना है क्या कि 8 का गुणज जो 1 से 5 तक हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 से 5 तक जो यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन सी हैं 8 का गुणज। तो 8 के गुणज आप निकाल के देखेंगे, 8 का पहला गुणज क्या होगा, 8 × 1 8, और 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, 8 × 2 16। अब देखिए कि 8 तो यहाँ पे मुझे कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन 16 दिख रहा है मुझे। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ये 16 दिख रहा है, तो इसको हम ए बोल सकते हैं, या फिर अगर मिलान करना चाहें तो इसको ए से मिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस तरह इसको ए से मिला सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। 7 का गुणज क्या होगा? तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 7 के मल्टीपल्स कर करके, 7 × 7 होता है, 7 × 2 14, 7 × 21 21 भी नहीं है यहाँ पे, 7 × 4 28, 7 × 5 35। तो यहाँ पे मुझे दिख गया 7 का 5वां गुणज कितना है, 35 होता है। तो यहाँ पे देखिए 35 दिख रहा है मुझे, 35 ये 7 का गुणज है, इसीलिए हम इसको मैच कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए कि सी पार्ट पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, 70 का गुणज, 70 × 70, 70 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा, 70 ही होगा, क्योंकि 70 × 1 70, 70 का उससे बड़ा गुणज कितना होता है, 2 होता है। तो 70 × 2 कितना हो गया, 70 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये 140 आ गया। इस तरह से इससे बड़े ही होते जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमें कोई 70 भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, 35 15 16 20 25 ये हैं, जिसमें से 35 और 16 तो चले गए हैं, वो मैच हो गए हैं, तो 15 20 और 25 मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे तो कम से कम 70 बोला जा रहा है। अब भाई ये ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, अगर नहीं मिल रहा तो इसको लास्ट में देखेंगे। फिर 30 का गुणनखंड, अभी तक हम गुणज की बात कर रहे थे बच्चों, अब यहाँ पे गुणनखंड आ गया है। तो गुणनखंड आप कैसे किस प्रकार से लिखेंगे गुणनखंड को, अभी तो हम कर रहे थे कि गुणनखंड क्या क्या होते हैं। गुणनखंड होते हैं जो नंबर है, जैसे 30 का गुणनखंड क्या होगा, जो 30 को पूरा पूरा भाग कर दे वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आप देखिए कि कौन सा 30 को पूरा पूरा भाग कर सकता है, या फिर जो नंबर जिस नंबर को हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 30 ला सकें। तो 25 को किसी से मल्टीप्लाई करके आप 30 नहीं ला सकते, ना ही 20 को, लेकिन मैं 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा। तो ये चीज तो श्योर है कि आप 15 और 2 तो इसके गुणनखंड हैं ही 30 के। आप वैसे भी अगर 30 के गुणनखंड निकालें, अभी हमने गुणनखंड निकाले थे ना, तो 30 के गुणनखंड निकालें तो 1 × 30 आप लिख सकते हैं, 2 × 15 आप लिखेंगे, ये क्या आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप गुणनखंड निकालेंगे तो भी देखिए गुणनखंड में आपको यहाँ पे 15 मिलने वाला है। आप बोल सकते हैं कि बी को हमने सेकंड से मिलाया। इसी तरह 50 का गुणनखंड क्या होगा, 50 को भी आप देख लीजिए, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और 25 को 2 से करेंगे तो भी 50 ही आएगा। तो यहाँ पे 25 तो मुझे दिख रहा है, दिख गया 25, ये देखिए 25 को मैं 50 से मिलान कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 50 आता है, और 25 क्या है, फिर गुणनखंड हो जाता है 50 का। इसी तरह 20 का गुणनखंड क्या होगा, अब देखिए
सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 का गुणनखंड हमें निकालना है, तो 20 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब 20 और 1 तो गुणनखंड होंगे ही। मैंने बोला था कि किसी भी नंबर के गुणनखंड सबसे पहले आपको पता है कि 1 और वो नंबर तो हमेशा रहेंगे ही, तो इसीलिए 20 का गुणनखंड 20 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, जो भी यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप दोबारा एक बारी प्रैक्टिस जरूर कर लें और आप आगे के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।